हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफेद रंग का होता है, जो कि सात रंगों से मिलकर बना होता है। वो सात रंग होते हैं विबग्योर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सातों रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो हम समझेंगे कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जो प्रकाश होता है वो एक तरंग के रूप में चलता है, कभी अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन। तो दो जो अप होते हैं तो उन दोनों अप के बीच की दूरी, या फिर जो दो डाउन हो गए उनके बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है और जो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने की वजह से वह हमारे पास हमारी आंखों तक जल्दी पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। उसके बाद बाकी कलर्स धीरे धीरे आते हैं अपनी तरंग दैर्ध्य के अनुसार और फिर सूर्य सफेद दिखाई देने लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।